छतरपुर के महाराजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नीरज दीक्षित के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार से आए युवक धमकाते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने युवक पर लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। जिस वाहन से गांव में पहुंचे थे उस पर विधायक महाराजपुर लिखा था, लेकिन वीडियो वायरल होने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। महाराजपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक लोगों को डरा धमका रहे हैं और वोटरों को रुपये भी बांट रहे हैं। हालांकि एमके न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ऐसा है कि आप से ही मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी के, तो जिस प्रकार से कुछ लोग पैसे बांट कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सच आप जनता के सामने आप लोग के माध्यम से आएगा तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी मानी जाएगी और हम लोग को भी बहुत सहारा रहेगा कि एक सच्चे तरीके से जो काम कर रहे हैं लोग उनको मजबूती मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी पिछली कुछ दिनों से जो खबरें आ रही, महाराजपुर थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें कांग्रेसियों ने धमकाया है लोगों को वोट के लिए, किस समाज या समुदाय के हैं वो आप पता करें। दूसरी चीज़, उजरा में विसर्जन के टाइम पे उनने किसी से मारपीट करी थी, फिर पैसे ऐसे देके राजीनामा करा, झगड़ा किया, तो वो अब गुंडागर्दी और उस तरीके की चीज़ों पे उतारू हैं। प्रचार के नाम पे ना उनके मुझे गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं कहीं और ना प्रचार दिखाई दे रहा है। सो नीचे के स्तर से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जनता जानती है और इस बार उनको करारा जवाब मिले।